पंडित के सभी मंदिरों में उमड़ रहा भक्तों का जनसैलाब, औद्योगिक क्षेत्र में लाखों की संख्या में नागरिकों की आस्था और सनातन धर्म का बड़ा पर्व नवरात्रि के प्रारंभ होते ही सभी मंदिरों में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का पूजा अर्चना जल अर्पण के लिए तांता लगा रहता है। स्थिति यह है कि कतार लगकर मंदिरों में पूजा और जल अर्पण किया जा रहा। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ खेड़ापति माता मंदिर में देखने को मिल रही, जहां हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु पूजन और जल अर्पण करने आ रहे। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करके श्रद्धालु खेड़ापति माता मंदिर जाते हैं। नेशनल हाईवे पर हर साल से ज्यादा इस बार बैरिकेड्स लगाए गए। देशभक्ति और जनसेवा किसे कहा जाता है, मिसाल देखना हो तो खेड़ापति माता मंदिर पर ट्रैफिक पुलिस समय पूर्व सड़क पे ट्रैफिक व्यवस्था संभाल लेती है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को सड़क पार कर मंदिर जाने में सहायता देखने को मिल रही। मंदिर परिसर के बाहर नगर के सामाजिक राजनैतिक संगठनों के द्वारा लगातार प्रसादी वितरण का कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा। ये मंदिर जो है सबसे प्राचीन, जब कवि मंडल जी नगर की स्थापना हुई होगी उस समय खेड़े का मंदिर है। यहाँ की एक सबसे बड़ी खासियत है कि टैंकरों से जल चढ़ता माता जी पर, यहाँ से बाहर कहीं नहीं दिखेगा आपको कि जल कहाँ गया। ये यहाँ की एक विशेषता है। प्रशासन की हर वर्ष की तरह जिस तरह व्यवस्था होती है, तो पानी के टैंकर की व्यवस्था, सफाई के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था जो है बैरिकेड लगा के सुव्यवस्थित, किसी तरह का कोई विघ्न ना, पूरी मदद करते हैं। लोगों की आस्था है, ये 9 दुर्गों का चल रहा है और 9 दुर्गों में आस्था का जन सैलाब होता है और हर मंदिर में हिंदू धर्मावलंबी जो है आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं। जब ये नवरात्रि का पर्व होता है तो बहुत ही माता जी के लिए महत्वपूर्ण पर्व होता है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ बराबर आते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए मंडी टीम मध्य प्रदेश से अंकित कुशवाहा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।